बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। आज हम बनाएंगे खीरे का शरबत भी से आप कह सकते हैं और खीरे का जूस भी कह सकते हैं। मज़े का तो होता ही होता है, उसके अलावा ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है बनाना। तो शुरू करते हैं और मज़ेदार सा खीरे का शरबत बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ कीड़े होते हैं जो थोड़े कड़वे होते हैं, कड़वाहट जो है वो दूर हो जाती है। आपने भी ज़रूर कभी ना कभी ऐसा किया होगा। तो रिमूव करते हैं। सबसे पहले खीरा जो है इसको छीलेंगे हम। तो अभी हम खीरे की स्लाइसेस काट के डालते हैं जार में, जूसर मशीन का जो जग है उसमें। पत्ते डालेंगे पुदीने के, थोड़ा सा नमक डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालेंगे, इसे अच्छे तरीके से हमने कर लिया ग्राइंड, फिर छन्नी की मदद से छानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी। ये हमारे पास पिसी हुई चीनी है, अगर आपके पास पिसी हुई ना हो तो आप जब इसका जूस बना रहे होते हैं तब भी चीनी शामिल कर सकते हैं। और साथ ही हम बर्फ शामिल करेंगे। और अभी हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 जो लेमन है उनका रस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खीरे का हमारा शरबत जूस तैयार हो गया। सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो खीरा नहीं खाते, तो वो आप उनके लिए बना सकते हैं। सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है, तो बनाना भी बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी से बन जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।